आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने इलेक्ट्रिकल ब्रांच से डिप्लोमा किया हुआ है तो आपके लिए क्या क्या जो है कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है वो है आपका कैंपस प्लेसमेंट। मीन्स इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी होती है वो आपके कॉलेज में आती है और वहाँ से आपको रिक्रूट करती है। दूसरा जो है वो है एक जेई एग्ज़ाम, जो कि स्टेट लेवल का एक होता है, एक सेंट्रल लेवल का होता है। तो स्टेट लेवल का जो जेई एग्ज़ाम होता है वो स्टेट जो है खुद कंडक्ट करवाता है, जैसे कि आपका यूपी, बिहार, झारखंड और ऐसे जितने भी स्टेट हैं वो उनका अलग अलग एग्ज़ाम होता है जेई पोस्ट के लिए। सेंट्रल लेवल पे जो है वो एक एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, इसका भी आप जो है एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद जितने भी पीएसयू है हमारी उसमें भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एनटीपीसी, आईओसीएल और सीआईएल, ये जो है जेई के पोस्ट के लिए होता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है एक आपके अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेनिंग होता है जिसका ड्यूरेशन जो होता है वो 1 ईयर का होता है। इसमें क्या होता है कि आप डिफरेंट कॉलेज से या डिफरेंट जो पीएसयू है वहाँ से आप अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग कर सकते हैं। 1 ईयर का इसका ड्यूरेशन होता है। जो डिफरेंट पीएसयू है जैसे कि आईओसीएल हो गया, एनटीपीसी, भेल और ऐसे बहुत सारी जितने भी पीएसयू हैं वहाँ से आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो कि डिप्लोमा कर चुके हैं और उनको हायर एजुकेशन परस्यू करना है तो वो जो है बीटेक कर सकते हैं, और वो बीटेक जो है कोई भी ब्रांच से कर सकते हैं। जैसा कि मैं इस वीडियो में अभी इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, तो अगर कोई ऐसा कैंडिडेट जो कि डिप्लोमा जो है इलेक्ट्रिकल ब्रांच से किया हुआ है और वो बीटेक करना चाहता है तो वो बीटेक जो है कोई भी ब्रांच से कर सकता है। मीन्स वो मैकेनिकल से भी कर सकता है, सिविल से भी कर सकता है, इलेक्ट्रिकल से भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉनिक से भी कर सकता है, या और जितने भी ब्रांच हैं उनसे भी वो कर सकता है। अगर आपने एक बार बीटेक कंप्लीट कर लिया तो आपके पास दो अपॉर्चुनिटी है, या तो आप जॉब करिए या आप हायर डिग्री के लिए परस्यू कर सकते हैं। तो अभी जो है हम डिस्कस कर रहे हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आफ्टर बीटेक। तो देखिए, सबसे पहले जो है आप ईएससी एग्ज़ाम का फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं, आप इसको टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है पीएसयू में भी आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए, जो कि एक स्पेशल एग्ज़ाम होता है गेट एग्ज़ाम, जो कि आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। इसका जो कट ऑफ है गेट एग्ज़ाम के बारे में मैं जब हायर डिग्री के बारे में बताऊंगा तो उसमें मैं डिस्कस कर दूंगा। उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी है एक स्टेट गवर्नमेंट जो एई एग्ज़ाम होता है उसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। एई मीन्स होता है यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर। डिफरेंट बैंक एग्जाम में भी आप टारगेट कर सकते हैं इसको, डिफरेंट बैंक एग्ज़ाम को, जैसे कि SBI, PNB। डिफेंस एग्ज़ाम जो है उसको भी आप टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि CDS, FCAT, या आप रेलवे एग्ज़ाम को भी टारगेट कर सकते हैं। रेलवे एग्ज़ाम्स में जैसे कि RRB JEE हो गया, NTPC, RRB NTPC, उसके बाद लोको पायलट, ग्रुप डी, ये सब का एग्ज़ाम होता है। उसके बाद प्राइवेट जॉब में जैसे कि TCS हो गई, इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई, ये सब कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। अगर आपको जॉब नहीं करना है, आप अपना जो एजुकेशन है उसको नेक्स्ट परस्यू करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होता है हायर डिग्री के लिए एक गेट का एग्ज़ाम होता है। इस गेट एग्ज़ाम करने से दो बेनिफिट होता है। इससे क्या होता है गेट एग्ज़ाम से कि आप हायर डिग्री भी परस्यू कर सकते हैं, जैसे कि आप एमटेक भी कर सकते हैं और आप जॉब भी कर सकते हैं पीएसयू में। अगर आपका जो रैंक है अगर लेस देन 500 आ रहा है तो उसमें आपको आपके पास अपॉर्चुनिटी होता है कि आपको ओल्ड जो IIT है और NIT है, यानी कि जो बेस्ट IIT और NIT है उसमें आपको एडमिशन मिल जाता है। तो इससे एक बेनिफिट ये है कि आपको स्कॉलरशिप जो है वो 12,400 रुपये का मिलता है पर मंथ मिलता है, और ये 2 साल के लिए मिलता है। अगर आपको जॉब करना है जैसे पीएसयू में जॉब करना है तो आपको गेट एग्ज़ाम में लेस देन 300 रैंक लाना पड़ेगा तो जाके आपको पीएसयू में जॉब मिलता है। जैसे कुछ पीएसयू कंपनी का मैंने यहाँ पर नाम मेंशन किया है, जैसे कि NTPC, भेल, एक्सेट्रा।